Good morning, students. Last class, before class, what we learned? What we learned in before classes? Varnamala. Next, Matrahi. Next, Barakhadi. Half letters, any Ardhakshar. Ardhakshar. In before classes, we learn, we discuss about these four classes. Varnamala, Matrayin, Barakhadi, Ardhakshar. Okay, now today's class, we will discuss about द्वित्वाक्षर द्वित्वाक्षर नेक्स्ट संयुक्ताक्षर संयुक्त व्यंजन ओके टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस टू टाइप्स ओके फर्स्ट वन द्वित्वाक्षर नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन नाउ द्वित्वाक्षर वी विल डिस्कस अबाउट द्वित्वाक्षर ओके नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द्वित्वाक्षर द्वित्वाक्षर और द्वित्व व्यंजन द्वित्वाक्षर और द्वित्व व्यंजन सो द्वित्वाक्षर परिभाषा डेफिनेशन क्या है परिभाषा एक वर्ण शब्द में दो बार प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं द्वित्वाक्षर कहते हैं एक वर्ण यानी हम यहां पर व्यंजन ले सकते हैं एक व्यंजन शब्द में दो बार प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं हम द्वित्वाक्षर कहते हैं हमको पता है व्यंजन स्वरों की सहायता से हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं व्यंजन स्वरों की सहायता से हम प्रोनाउंस करते हैं सो यहाँ पर शब्द में भी दो बार एक ही फॉर एग्जाम्पल व्यंजन कहां से कहां तक है का से हा तक आते हैं व्यंजन का से हा तक आते हैं व्यंजन सो ये सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से बनते हैं यानी का जिसका प्रयोग यह कैसे बनता है क प्लस आ यहाँ पर स्वर का प्रयोग होता है स्वर की सहायता से हम का प्रोनाउंस करते हैं ओके सो यह इन व्यंजनों कोई शब्द हमें लिखते समय एक शब्द लिखते समय फॉर एग्जाम्पल उदाहरण पक्का पक्का सो यहां पर का सो मैंने क्या बताया स्वरों की सहायता से हम व्यंजनों का प्रयोग करते हैं यानी यहां पर स्वर क्या है आ लेकिन यहां व्यंजन का कैसे बनता है क प्लस का क्या हुआ यह क क सो यह कौन सा अक्षर है द्वित्वाक्षर कहलाता है यह द्वित्वाक्षर कहलाता है सो यहां पर दो बार देखिए यहां पर एक शब्द में व्यंजन
आया है। यहां पर डेफिनेशन क्या है? दो बार शब्द में वर्ण दो बार प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम द्विपाक्षर कहते हैं। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? पर क्या सॉरी प्लस आ का आ क्या होगा यह पर प्लस आ पा क्या प्लस का आ की मात्रा क। सो इसे मिलाकर लिखने से क्या होगा पक्का? क्या होगा यह पक्का? तो यह द्विपाक्षर कहलाता है। और कुछ उदाहरण देख ओके मैंने क्या लिखा था? पक्का। ओके और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। क्या लिख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल? शक्कर। इसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं? शे प्लस आ प्लस आ प्लस र प्लस आ कैसे लिख सकते हैं इसे? श क क्या होगा यह? शक्कर। ये बढ़िया सा यहाँ पर द्विपाक्षर क्या है? क। ये क्या कहलाते हैं यहाँ? द्विपाक्षर। चम्मच चम्मच गन्ना। और कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो तुम लोग? चम्मच मैंने लिख दिया। कुछ चम्मच गन्ना और कुछ एग्जाम्पल्स? डिब्बा गुड डिब्बा। तो यहां पर किसका प्रयोग हुआ है? कौन सा अक्षर? द्विपाक्षर का प्रयोग हुआ है। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है? एक वर्ण शब्द में दो बार। एक वर्ण शब्द में दो बार आने से वह क्या होता है? द्विपाक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विपाक्षर। क्या बता मैंने? चम्मच गन्ना डिब्बा पत्ता ये सभी आते हैं द्विपाक्षर में। तो यह हुआ द्विपाक्षर। और एक मैंने बताया ना कक्षा की क्लास की शुरू में इसके बारे में जाने के कहा था आज मैंने द्विपाक्षर के बारे में बताया था। तो ये हुआ द्विपाक्षर। और दूसरा क्या होगा? से पहले हम वर्णमाला सीखते समय वर्णमाला बताते समय मैंने बताया था। वर्णमाला बताते समय मैंने चार चार अक्षरों के बारे में बताया था। तो इसे क्या कहते हैं? वर्णमाला बताते समय मैंने इन चार अक्षरों को एक नाम दिया था। इसे क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। गुड। इसे क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर कहते हैं और संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संयुक्त व्यंजन। व्यंजन। अब हम इसके बारे में जानेंगे। संयुक्त व्यंजन क्या होगा? अब इसके बारे में जानेंगे। संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। ऑलरेडी हमको पता है ये क्ष त्र ज्ञ श्र ये सभी संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या है? दो अक्षर
अलग अलग दो अलग अलग व्यंजनों की दो अलग अलग व्यंजनों से जो नया व्यंजन जो नया व्यंजन बनता है उसे हम क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या है दो अलग अलग दो अलग अलग व्यंजनों से जो नया व्यंजन बनता है उसे उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं तो यह है संयुक्त व्यंजन की परिभाषा तो हमको पता है यह चार संयुक्त व्यंजन है तो इसे यह कैसे बना है नया शब्द यानी नया शब्द यानी यहाँ पर क्या नया व्यंजन तो यहाँ पर फर्स्ट पहला लीजिए क्या है पहला क्ष तो यह कैसे बना हमको ऑलरेडी पता है व्यंजन क्या है हमको पता है ऑलरेडी व्यंजन कहाँ से कहाँ तक का से हा तक क्या कहती है इसे व्यंजन व्यंजन कहते हैं तो यहाँ पर यह व्यंजन किसकी सहायता से हम प्रनाउंस करते हैं स्वरों की सहायता से हम व्यंजनों का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर क्ष तो यह संयुक्त व्यंजन कैसे बना अब देखेंगे का इसे हलंत लगाएंगे तो हलंत लगाने से यह क्या होगा हाफ लेटर शा इसे भी हम हलंत लगाएंगे और आ तो यहाँ पर दो व्यंजन को किसकी सहायता पड़ी है यहाँ पर स्वर की सहायता से तो दो व्यंजनों को यानी जो हलंत व्यंजनों को स्वर की सहायता से हम स्वर रूप बदलता है तो यहाँ पर दो हलंत व्यंजन को आ जोड़ने से क्या हुआ यह क्ष तो इससे क्षत्रिय क्षत्रिय कक्षा रक्षा ये उदाहरण ले सकते हैं तो क्षा कैसे बना दो अलग व्यंजन अलग अलग व्यंजन यानी क श दो अलग अलग व्यंजनों से जो नया शब्द नया व्यंजन बनता है उसे क्या कहते हैं हम क्या कह सकते हैं संयुक्त व्यंजन मैंने यहाँ पर क्षत्रिय कक्षा रक्षा लिखा और कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो क्षमा क्षमागढ़ क्षमा सो यहाँ पर क्ष संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है तो यह क्या है क्ष से रिलेटेड है यह क्ष कैसे बना था क्ष संयुक्त कैसे संयुक्त अक्षर कैसे बना मैंने बताया और नेक्स्ट क्या है त्रा त्रा यह त्रा कैसे बनता है त हलन र हलन प्लस स्वर की सहायता यानी आ सो इससे क्या बना यह त्रा त्रा
उदाहरण, कुछ उदाहरण। क्षत्रिय क्षत्रिय, ओके, यही पर एक ही लिख देंगे क्षत्रिय। तो यहाँ पर त्रा का प्रयोग हुआ। अब नेत्र, नेत्रगत, छात्रा, छात्र, छात्र। तो यह क्या हुआ, यह ता या त्रा? त्रा। त्रा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कैसे बनाया है, दो अलग अलग व्यंजन। तो यहाँ पर ता अलग व्यंजन, रा अलग व्यंजन। तो यह दोनों किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से यह क्या बना, संयुक्त व्यंजन कौन सा बना, क्या है यह? त्रा। त्रा, यह है क्षा त्रा के बल में कैसे बना। तो अब किसके बारे में जानेंगे हम? ज्ञा के बारे में जानेंगे। यह ज्ञा कैसे बनता है, किसी को पता है? ज हलर, इनी हलर प्लस आ। तो यहाँ पर दो अलग अलग व्यंजन और किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से क्या बना यह? ज्ञा, ज्ञा बना। तो ज्ञा से संबंधित कुछ है शब्द लिखूंगी मैं यहाँ पर, प्रतिज्ञा। यज्ञ, कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो? यज्ञ, गुड, यज्ञ। नेक्स्ट, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञानी। तो यह किसी से संबंधित शब्द है यह? ज्ञा से संबंधित। तो यह संयुक्त, ज्ञा संयुक्त व्यंजन कैसे बना, किसकी सहायता से? दो अलग व्यंजन यानी ज इनी से, या किसकी सहायता से? स्वर की सहायता यानी या से बना संयुक्त व्यंजन क्या है? ज्ञा। तो यह कहलाता है संयुक्त व्यंजन। अब नेक्स्ट क्या है, यह नेक्स्ट क्या कहलाता है यह? श्र। यह कैसे बना? श हलर, र हलर प्लस स्वर की सहायता यानी आ की सहायता से यह क्या बना? श्र। श्र बना यह श हलंत यानी व्यंजन, रा हलंत व्यंजन, स्वर की सहायता से यह बना श्र। जैसे कि हम श्रीमान, श्री, श्रीमती नाम भी लिख सकते हैं, श्रीराम, यह सभी किसी से बनती हैं? श संयुक्त व्यंजन से। तो यह श रा प्लस स्वर की सहायता या से श बना। इससे हम एग्जाम्पल श्रीमान, श्री, श्री ये सभी ले सकते हैं। तो यह है संयुक्त व्यंजन। और भी कुछ हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, सिर्फ यही नहीं संयुक्त संयुक्ताक्षर वर्णमाला है, संयुक्ताक्षर ये है, बट हम दूसरे भी बना सकते हैं, दूसरे शब्द भी बना सकते हैं। परिभाषा क्या है? दो अलग अलग व्यंजन को मिलाने से नया व्यंजन बनता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? संयुक्त व्यंजन कहा। तो वर्णमाला में संयुक्ताक्षर ये आते हैं, दूसरे शब्द में जब शब्द का प्रयोग करते हैं हम, जैसे कि
शब्द यानी यहाँ पर ही लीजिए, तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है। तो यह कैसे बनता है, कुछ शब्द है जैसे कि ध्वनि, ध्वनि और कुछ शब्द रास्ता, ये सभी संयुक्त व्यंजन ही कहलाते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे। मैंने यहां पर शब्द लिखा था, तो यह कैसे बना, श प्लस आ क्या होगा, श द कैसे बनता है, ब हलर द हलर और आ, यह क्या होगा द, द दोनों को मिलाने से क्या होता है, यह शब्द, रास्ता, सस्ता, अस्त्र, विद्या, ध्वनि, ध्वनि। अभी नाम भी ले सकते हैं हम, अध्यापक, अध्यापक, अध्ययन, अध्ययन, अध्यापिका, अध्यापिका, ये सभी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर। तो ये थे आज, तो बच्चा आज हमने कक्षा में किसके बारे में जाना, किसके बारे में, द्वित्वाक्षर और संयुक्ताक्षर के बारे में हमने जाना। तो यहाँ पर द्वित्वाक्षर क्या है, परिभाषा, एक ही वर्ण दो बार आता है तो उसे क्या कहते हैं, हम द्वित्वाक्षर कहते हैं, यह हुआ द्वित्वाक्षर। और दूसरा क्या है, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर परिभाषा क्या है, दो अलग अलग व्यंजनों से बना नया व्यंजन ही संयुक्ताक्षर कहलाता है। तो इसमें ही हम संयुक्ताक्षर में ही हम संयुक्त व्यंजन को ले सकते हैं, संयुक्ताक्षर का अलग व्यंजन, ता अलग व्यंजन। तो यहाँ पर यह हुआ संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर। सो आज की कक्षा में बस इतना ही, ओके, आगे की कक्षा में और कुछ जानेंगे, ओके, बाय।